हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास आया है हीरो सुपर स्प्लेंडर, ये सर्विस करने के लिए लेके आया है और सर्विस का काम अभी होने वाला है। और देखिए, इसका जो वायर का काम किसी दोस्त ने किया है, देखिए ये वायर सेट सेट होने की वजह से इस तरह काम भी किया है। और देखिए ये टेप वगैरह भी किया है, और ये करने के टाइम एक चीज़ वो दोस्त ने गलती किया है, और इस तरह गलती करना भी नहीं चाहिए। देखिए वो गलती आपको दिखाने की कोशिश करो। ये बैटरी के साइड में जो फ्यूज बॉक्स लगा रहता है, ये फ्यूज बॉक्स नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, ये साइड में एक फ्यूज बॉक्स लगा रहता है। वो फ्यूज बॉक्स ना होने की वजह से ये दोस्त ने ये वायर को एक साथ जोड़ दिया है, और इस तरह वायर जोड़ना नहीं चाहिए दोस्त। इसमें फ्यूज लगाना ही चाहिए, और फ्यूज कैसे लगाना है आज इस वीडियो के जरिए से टोटली जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए ये वायर कहीं पर टच होने से, बॉडी होने से टोटली वायर जलने का चांस ज़्यादा ही रहता है, इसलिए फ्यूज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए इसका जो वायर आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास फ्यूज बॉक्स नहीं है तो उस टाइम आपको कैसे इसको सही करना है। देखिए इसके लिए हॉर्न का जो क्लिप होता है वो क्लिप चाहिए। देखिए ये जो हॉर्न क्लिप आपको दिखाई दे रहा है, ये हॉर्न क्लिप, एक क्लिप को इधर सेट करना है। तो फर्स्ट एक एक करके सेट कर लेता हूँ, और फ्यूज भी सेट करके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। देखिए एक तो जोड़ने का काम हो गया है, अभी दूसरा को भी जोड़ना है, सेम प्रोसेस। ये जोड़ने का काम तो हो गया, और ये टेप भी करना है, नहीं तो ये फ्यूज लगाने का जो मकसद वो सही नहीं होगा। तो इस तरह से इसको टेप से मोड़ लेना है। देखिए ये भी हो गया, दूसरा भी सेम प्रोसेस उसी तरह से जोड़िए। देखिए ये भी हो गया, अभी मेरे को ये फ्यूज इसमें सेट करना है, और ये 15 एम्पीयर का होता है। देखिए देखिए ये मेरा फ्यूज बॉक्स रेडी हो गया। दोस्तों इस तरह वायर को मत जोड़िए, आपको पास फ्यूज बॉक्स नहीं है तो फ्यूज बॉक्स खुद ही बनाइए। देखिए अभी वायर कहीं पर जो सेट साइड होने से टच होने से ये फ्यूज कट होगा, वायर जलेगा नहीं, नहीं तो इस तरह जोड़ने से वायर जल जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो जरूरी ऐसा लगा होगा। जितने पास ओके बाय।